एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप ब्लॉगर लता में आप सभी का स्वागत है। एंड आई होप यू ऑल आर गुड। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो अपनी डाल रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है मैंने कोई वीडियो अपनी शूट नहीं की है। तो अभी अपनी सिस्टर के साथ मैं सरोजिनी नगर मार्केट जा रही हूँ थोड़ी देर में। तो मैं सोच रही थी कि सरोजिनी नगर मार्केट का एक ब्लॉग बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि दिल्ली की मार्केट कैसी है। आई नो जो दिल्ली में रहता है बहुत सारी लड़कियाँ, मेरी खुद की बहुत सारी फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सभी की सरोजिनी नगर मार्केट फेमस है। तो जो दिल्ली में नहीं रहते और जो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं और कोई अच्छी मार्केट और रीजनेबल मार्केट और बहुत सस्ती मार्केट कोई सर्च कर रहा है, तो सरोजिनी नगर मार्केट शॉपिंग के लिए बेस्ट है। तो मिलते हैं सरोजिनी नगर मार्केट में, बाय। मेरा आज सिर्फ 1000 रुपीज बजट है और 1000 रुपीज में देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्योंकि वहाँ 5 रुपीज से लेके उसके ऊपर आप कुछ भी ले सकते हैं। 5 रुपीज में आपको एक्सेसरीज मिल जाएगी, क्लिप्स मिल जाएंगे, क्लचर मिल जाएंगे, शायद कुछ खाने का भी 5 रुपए में मिल जाए वहाँ पर। और 5 रुपए में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है और 5 रुपए से लेके आप कितना भी ले सकते हैं वहाँ। 10, 20, 50, 100 रुपए में बहुत सारी चीजें मिल जाती है। 100-100 रुपए में टॉप्स भी मिलते हैं। और सरोजिनी नगर वेस्टर्न वेयर्स और एक्सेसरीज और इंडियन वेयर और होम डेकोर प्रोडक्ट भी वहाँ मिलते हैं। आप फुटवेयर्स भी वहाँ मिलते हैं और बहुत सारी घर की यूज़ की चीज़ें भी मिल जाती है बेसिकली। तो सरोजिनी नगर वन ऑफ द बेस्ट मार्केट इन साउथ दिल्ली मार्केट, और मुझे साउथ दिल्ली में मेरी फेवरेट है और मैं बहुत छोटे से वहाँ रेगुलर जाती हूँ। मुझे सरोजिनी नगर के अलावा मुझे कोई मार्केट अच्छी नहीं लगती सच में। और देखते हैं आज 1000 रुपीज मैं क्या क्या लेती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा कोई सीन नहीं था मार्केट जाने का और मेरा कोई प्लान नहीं था, बट सिस्टर है वो पीछे पड़ रही है, मुझे भी नहीं थी कुछ लेने की। तो लेट्स सी मैं क्या क्या लेती हूँ, क्योंकि जब वहाँ जाते हैं तो 1000 रुपीज तो बजट है लेकिन वो ऊपर ही जाएगा, आई नो वेरी वेल। तो लेट्स सी मैं क्या क्या लेती हूँ आज, और आप सभी को दिखाती हूँ सरोजिनी नगर मार्केट कैसी है दिल्ली की। तो मिलते हैं, बाय। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सरोजिनी नगर और अब सरोजिनी नगर मार्केट की शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी क्या लेते हैं। मेरा तो बजट मैंने तुम्हें बता ही दिया है, 1000 रुपीज है, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी, मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ। तो मिलते हैं, क्या क्या मिलता है सरोजिनी नगर में आप सभी को दिखाती हूँ। मुझे तो पता ही है क्या क्या मिलता है, मैं लेती रहती हूँ। बाकी जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है और आउट ऑफ दिल्ली से है तो उनको बताती हूँ कि क्या क्या मिलता है चीप एंड।
आ गई हूँ और मैंने शॉपिंग कर ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। एक मैंने ये पाउच लिया है 50 रुपीज़ का, और नेक्स्ट मैंने लिया है एक ये टॉप जो कि बहुत हल्का है, स्ट्रेचेबल है और बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। ये मैंने सिर्फ 100 रुपये का लिया है, 100 रुपीज़ ओनली। नाउ जो मैंने नेक्स्ट लिया है वो अगेन मैंने एक टॉप लिया है जो कि मुझे उसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, पीछे इसके बैक में थोड़ा डिज़ाइन है, सिर्फ बटन है, बटन दिखेंगे गया, बटन डिज़ाइन है और ये फ्रंट है, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये भी मैंने बहुत रीजनेबल प्राइस में लिया है, ओनली 100 रुपीज़। नेक्स्ट मैंने लिया है फेशियल वाइप्स लिया है, तो ये मैंने 50 रुपीज़ का लिया है। और एक मैंने लिया है ये पैंट, ये मैंने पैंट ली है क्योंकि नीचे का डिज़ाइन जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने पैंट एक्चुअली ये 650 की थी और मैंने सिर्फ खरीदी है ये ओनली, मुझे जो मिली है ये 450 में मिली है। तो अगर आपको मेरा ये शॉपिंग हॉल पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर मी, सब्सक्राइब मी, लाइक मी, और गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय।